G20 सम्मेलन में आतंकवाद के मसले पर अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम मोदी के निशाना बनाने से पाकिस्तान चिढ़ गया। पाकिस्तानी रेंजरों ने जम्मू कश्मीर के पुंज में नियंत्रण रेखा के निकट भारतीय चौकियों पर सोमवार देर रात मोर्टार दागे और गोलीबारी की। देर रात पाकिस्तानी रेंजरों ने पुंज जिले के शाहपुर सेक्टर के कांडी इलाके में अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। वो भारतीय चौकियों पर हल्के हथियारों से लगातार निशाना बना रहे थे। पाक की ओर से की जा रही गोलीबारी का भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। इस सप्ताह में पाकिस्तान की ओर से दूसरी बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इससे पहले 2 सितंबर को पाकिस्तान ने अखनूर में आईबी पर गोलीबारी की थी। गौरतलब है कि पिछले साल पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 71 लोग घायल हुए। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की मोची मोहरा, धकनी दोह, न्यू डिंग और नेजापीर पोस्ट से भारत की 6 पोस्ट को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर के पास बसे कस्बा गांव पर भी मोर्टार दागे हैं। ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की खींच बताता है, जिसमें ये तो तय है कि पाक को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने की मोदी की नीयत से डर गया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।